आज हम करेंगे यह दंतरित मुस्कान और फसल के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप इस कविता को पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस कविता को नहीं पढ़ा तो इस कविता का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगा, जरूर देख लेना। हजारों लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। बच्चों, इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो आ देखे जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यह दंतरित मुस्कान नामक कविता के कवि का क्या नाम है। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। यह दंतरित मुस्कान नामक कविता के कवि का क्या नाम है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए तुलसीदास, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी सूरदास। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी नागार्जुन। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि ने किसकी मुस्कान को दंतरित मुस्कान कहा है। कवि ने किसकी मुस्कान को दंतरित मुस्कान कहा है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए वृद्ध की, ऑप्शन बी युवक की, ऑप्शन सी बच्चे की, ऑप्शन डी युवती की। आसान सा प्रश्न है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी बच्चे की। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे की दंतुरित मुस्कान किस में भी जान डाल देगी। बच्चे की दंतुरित मुस्कान किस में भी जान डाल देगी। आपके ऑप्शन ए रोगी में, ऑप्शन बी पक्षी में, ऑप्शन सी कमजोर में, ऑप्शन डी मृतक में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी मृतक में। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जलजात किसे कहते हैं। जलजात किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी मछली। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी कमल। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे। कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए जलजात, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी गेंदा, ऑप्शन डी फूल। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए जलजात। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए कवि के, ऑप्शन बी माता के, ऑप्शन सी बच्चे के, ऑप्शन डी पिता के। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी बच्चे के। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। किससे छूने से शेफालिका के फूल झड़ने लगे थे। किससे छूने से शेफालिका के फूल झड़ने लगे थे। आपके ऑप्शन ए हवा को, ऑप्शन बी दंतरित मुस्कान को, ऑप्शन सी बादल को, ऑप्शन डी जल को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अनिमेश देखना का अर्थ है। अनिमेश देखने का क्या अर्थ है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए रुक रुक कर देखना, ऑप्शन बी कभी कभी देखना, ऑप्शन सी लगातार देखना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी लगातार देखना। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है। कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है। आपके ऑप्शन ए बच्चे की माता, ऑप्शन बी बच्चे की दादी, ऑप्शन सी बच्चे की बहन, ऑप्शन सी बच्चे का भाई। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए बच्चे की माता। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है। कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है। आपके ऑप्शन ए बच्चे को, ऑप्शन बी बच्चे की माता को, ऑप्शन सी स्वयं को, ऑप्शन डी लोगों को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वयं को, यानी खुद कवि को। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही है। बच्चों, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही है। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए कवि की, ऑप्शन बी माता की, ऑप्शन सी बहन की, ऑप्शन डी डॉक्टर की।
पांच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन बी, माता की। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हुई है? प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हुई है? आपके ऑप्शन ए बच्चे की माँ से, ऑप्शन बी बच्चे के पिता से, ऑप्शन सी बच्चे के भाई से, ऑप्शन डी स्वयं के बच्चे से। पांच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वयं के बच्चे से। बच्चों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कवि को क्या छवि मान लगती है? कवि को क्या छवि मान लगती है? आपके ऑप्शन ए धूप, ऑप्शन बी छाया, ऑप्शन सी बच्चे की मुस्कान, ऑप्शन डी बच्चे की माँ। पांच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चे की मुस्कान। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, फसल कविता के कवि का क्या नाम है? फसल कविता के कवि का क्या नाम है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी मंगलेश डबराल, ऑप्शन डी ऋतुराज। पांच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन बी नागार्जुन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पानी का जादू का अर्थ है, पानी का जादू का क्या अर्थ बताया है जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए पानी का प्रभाव, ऑप्शन बी पानी पर जादू करना, ऑप्शन सी जादू से पानी उत्पन्न करना, ऑप्शन डी पानी द्वारा जादू करना। पांच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन ए पानी का प्रभाव। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? यह फसल कविता से ही है, जल्दी से उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए किसान के, ऑप्शन बी व्यापारी के, ऑप्शन सी कवि के, ऑप्शन डी जनसाधारण के। आसान सा प्रश्न है। पांच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन ए किसान के। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन ए मिट्टी के गुणों को, ऑप्शन बी मिट्टी की नमी को, ऑप्शन सी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को, ऑप्शन डी मिट्टी के धर्म को। पांच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन सी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है? कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है? आपके ऑप्शन ए धन को, ऑप्शन बी वस्त्र को, ऑप्शन सी जल को, ऑप्शन डी फसल को। पांच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन डी फसल को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए मिट्टी के लिए, ऑप्शन बी फसल के लिए, ऑप्शन सी पानी के लिए, ऑप्शन डी वायु के लिए। पांच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन ए मिट्टी के लिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? बच्चों इसी तरह से और भी चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सबसे ऊपर दे रहा हूं। नाम रखा है लिंक का फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से आपको इस तरीके से अदर चैप्टर के लिंक भी यानी एमसीक्यू वीडियो भी मिल जाएंगे। पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन ए कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना, ऑप्शन बी पत्थर का गलना, ऑप्शन सी पत्थर बनना, ऑप्शन डी पत्थर से पानी बनना। पांच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। सही उत्तर है ऑप्शन ए कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। इसी चैप्टर का आप रिटन टेस्ट भी देना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास इस नाम से ही मिलेगा। आप जरूर क्लिक कीजिएगा, आपको इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं रिटन टेस्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।